भी रे अधूरा हो जाता। आज वैसे मैं अपने आप को दीन समझ रहा हूं मेरे बेटा, मेरे लखन उठो जागो। ऐसे माम दीवाना यही भाव और भाई में आ जाए तो फिर से सतयुग आ जाए। कहते जैसे पक्षी के बिना पंख के बिना पक्षी दीन हो जाए, मणि के बिना सर्प दीन हो जाए, सूंड के बिना हाथी दीन हो जाए। ए मेरे भाई लक्ष्मण, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही। वैसे ही आज मेरा जीवन बिना तुम्हारे हो गया है मेरे भाई। जो चढ़ देव जियावे मोहिया, जैसे वह दिन है ऐसे आज तुम्हारे बिना मैं भी दीन हो गया हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हर भाई को यही सोचना चाहिए। अरे भैया अवध जाना है, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। जय हो अवध, जय हो अवध, कवन मुख लाई। अरे भैया लखन, ये दुनिया बड़ी बैरी है। अवध जाऊंगा मुख से जब लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे कलंकित करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा मेरे लखन। जब मुझसे ये लाइन कह देंगे, नारी है तो प्रिय भाई गवाई, जब लोग मुझसे कहेंगे कि एक नारी को पाने के लिए भाई को गवा दिया। बरुआ पजसा, बहुत बड़ी बात। बरुआ पजसा तो मन माही, बरुआ अपजस मेरे सिर पे लग गया, क्योंकि अपनी मां के तुम अकेले बेटे हो। निज जननी कर, निज
भैया लक्ष्मण कैसे जवाब दूंगा, सौंपिस मोहि तुमहि, हाथ पकड़कर मेरे हाथ में आपका हाथ दिया, हर प्रकार से संरक्षक सुखदाता मानकर हाथ दिया, उतर काह दई हूं तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखाओ भाई। हे लक्ष्मण मैं जाकर के सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, आप बोलो तो। उत्तर काह दइयो ते ही जाए, मैं वहां जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा, उठ के न मोहि सिखाओ भाई, उठ के कुछ तो बताओ मेरे भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल रोज। आज सबके सोच को विमोचन करने वाले हर प्रकार से सोच रहे। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल रोज। नेत्रों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल। भगवान के विलाप को देख करके भी सारे के सारे लोग पीड़ित तो होते हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भय बानर निकर, आय गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस। हनुमान जी का आगमन होता है कि हर श्री राम भेटो हनुमाना, अवकृतज्ञ प्रभु परम सुजा, कि तुरत वेद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर स। तो देख हनुमान को प्रभु को होशा गया, देख हनुमान को प्रभु को जोशा गया, और बूटी मल के पिलाए तो सा गया। और बूटी मल के पिलाए तो सा गया। अरे तेरी लीला है अपरम पार की लीला, तेरी तू ही जाने रे। तू ही जाने दाता, तू ही
तेरी तू ही जाने तेरी लीला है अंतरा में तेरी तू ही जाने जल डूबत गजराज बजायो ग्राह कुमार भगायो जल डूबत गजराज बजायो ग्राह कुमार भगायो गजराज बचायो ग्राह कुमार भगायो गजराज बचायो ग्राह कुमार भगायो ग्राह कुमार भगायो बिहारी ग्राह कुमार भगायो ग्राह कुमार भगायो बिहारी ग्राह कुमार भगायो तुहे जग का तुहे जग का तुहे जग का पालन हा लीला तेरी तू ही जा मेरे तेरी लीला है अपरम पार लीला तेरी तू ही जा अरे वो बजरंग बली की एक बार बोले बालाजी महाराज की एक बार फिर से बोलियो बालाजी महाराज की हाथ में छोटा लाल लंगोटा छोटा लाल लंगोटा हाथ में छोटा लाल लंगोटा हाथ में छोटा लाल धर्म ध्वजा लेकर आए हर खौ से वो पार तरे जो बालाजी द्वारे आए पार करे जो बालाजी द्वारे आए हाथ में छोटा लाल लंगोटा छोटा लाल लंगोटा हाथ में छोटा लाल लंगोटा हाथ में छोटा लाल भगवान ध्वजा लगाए बोल बालाजी महाराज की और बन जावे वो सारी बिगड़ी बालाजी द्वारे आए बन जावे वो सारी बिगड़ी बालाजी द्वारे आए जय हो बन जावे वो सारी बिगड़ी बालाजी द्वारे आए हाथ में लगाए बन जाए सारी बिगड़ी जो बालाजी द्वारे आए बन जाए सारी बिगड़ी बालाजी द्वारे आए ओ जय 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 हनुमान बालाजी सरकार जय 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 हनुमान बालाजी सरकार ओ जय 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 हनुमान बालाजी सरकार जय
जाके बिगड़ी बनाए सबकी आके लक्ष्मण जो कंदन पे राम लक्ष्मण लेके द्वार जो आए बन जाए वो सबके बिगड़ी जो बालाजी बन जाएंगे सबके बिगड़ी जो बालाजी आए। जय 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 हनुमान बालाजी सरकार। बजरंग बली की जय 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 बजरंग बली की जय बोलो हनुमान की। जय 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 बजरंग बली की जय बोलो हनुमान की। जय 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 बजरंग बली की कूद क्यों सतयो जन सागर मिल सिया से जा करके आया तंग नगर में कंचन महल जला करके कंचन महल जला करके कंचन महल जला करके मचा दिया आया तंग नगर में कंचन महल जला करके कंचन महल जला करके कंचन महल जला करके लगे भागने सारे छोड़ के आता प्राण की। जय 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 बजरंग बली की जय 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 बजरंग बली की जय बोलो हनुमान की। जय 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 बजरंग बली की जय बोलो हनुमान की। रखा राम लखन को अहिरावण पाताल में तुमसे लड़कर सभी निशाचर गए काल के काल में रामदल में लगे नाचने खुशहाली मुस्कान की। जय 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 बजरंग बली की जय 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 बजरंग बली की जय बोलो हनुमान की। जय 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 बजरंग बली की जय बोलो हनुमान की। जय 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 बजरंग Thank you.
संकट मोचन आज पुकारो, एक प्रगट अब हो जाओ, एक प्रगट अब हो जाओ, एक प्रगट अब हो जाओ। संकट मोचन आज पुकारो, एक प्रगट अब हो जाओ, एक प्रगट अब हो जाओ, कष्ट में है ब्रह्मांड पुरी प्रभु आके लाज बचो जाओ, आके लाज बचा जाओ, आके लाज बचा जाओ। कष्ट में है ब्रह्मांड पुरी प्रभु आके कष्ट मिटा जाओ, आके कष्ट मिटा जाओ, आके कष्ट मिटा जाओ। दीपकर्ता प्रभु हरि नित दिन, दीपकर्ता प्रभु हरि नित दिन, जयकारा हनुमान की, जय 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 बजरंग बली की, जय बोलो हनुमान की, जय 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 बजरंग बली की, जय बोलो हनुमान की, जय 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 बजरंग बली की, जय बोलो हनुमान की, जय 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 बजरंग बली की। एक बार बोले बजरंग बली की जय, बालाजी महाराज की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी को होश आ गया, पुनः युद्ध की तैयारी। दूसरे दिवस के युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाद को ललकारा है और आज स्तुति सुलोचना को संकेत मिलने लगा है। स्त्री के मांग का सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, बिंदिया सुहाग का प्रतीक है। पूर्व समय में अगर सिंदूर मिट्टी में गिर जाए, जमीन में गिर जाए, तो माताएं आंचल से उठाया करती थी। सिंदूर का इतिहास रामचरितमानस में एक प्रमाण मिला है कि एक दिन हनुमान जी महाराज गए तो माँ जानकी मस्तक में सिंदूर लगा रही थी। थोड़ा सा सिंदूर लगाया, हनुमान जी ने कहा, मैया आप ये सिंदूर क्यों लगाते हो? कहने लगे, इस सिंदूर के लगाने से हमारे पतिदेव और आपके स्वामी की उम्र बढ़ जाती है। हनुमान जी की तो भोली भक्ति है, उन्होंने सोचा कि अगर मेरी माता के मांग के इस 2.5 इंच में ब्रह्मरंध्र तक सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की उम्र बढ़ जाती है, तो मैं क्यों ना अपने आप को ही सिंदूर बदल कर लूं, मेरे प्रभु की उम्र अथक और अनंत हो जाए। हनुमान जी ने उसी दिन से अपने आप का सिंदूर बदल कर लिया। राम दरबार में पहुंच गए, राम जी ने देखा कि ये क्या है। कहने लगे, हनुमंत ये क्या स्वरूप है? कह, बस प्रभु जी आज तो मैं बहुत खुश हूं, बहुत परम आनंद की प्राप्ति हो रही है मुझे, बहुत बड़े परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। बोले, ये सब क्यों किया? कहने लगे, मैं आज मैया के दर्शन को गया था तो देखा मैया माथे पे सिंदूर लगा रही थी। उसने कहा, थोड़ा सा सिंदूर लगाओ तो पति की उम्र बढ़ जाती है, तो मैंने प्रभु पूरा का पूरा अपने आप को सिंदूर बदन कर लिया, तो मेरे शरीर की गणना कर लो, मेरी 84 लाख योनियां भी आपको लग जाए और सारी जिंदगी मेरी उम्र ही आपको लग जाए, ये भाव होता है महाराज, इसलिए मस्तक पे सिंदूर लगा। हनुमान जी को
राम जी ने उठा के मणियों से रचित माला पहना दी। और उस माला की मणियों को तोड़ने लगे हनुमान जी, दांत से तोड़कर बिखेर रहे, देख रहे। वशिष्ठ इत्यादि ने कहा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, बहुत महंगी मणि है, तोड़ो तोड़ो, इसमें क्या दिख रहा है, क्या ढूंढ रहे हो इसमें। कहने लगे, भाई इसमें ढूंढने की गुरुदेव क्या बात करूं, इसमें वो चीज नहीं। बोले, क्या ढूंढ रहे हो। बोले, मैं इस माले में मेरे राम को ढूंढ रहा हूं, जिसमें मेरा राम ना हो वो मणि मेरे किसी काम की नहीं होती है महाराज। लोगों ने व्यंग कर दिया, कहां कहां है राम, तेरे सीने में भी है राम। बोले, हां। तो एक जरा सी बात के कारण छाती पाड़ दिखा डाला। देखो, है मेरे हृदय में राम, और दिखा दिया। तो एक जरा सी बात के कारण छाती पाड़ दिखा डाला। तुमसा कोई राम भक्त ना हुआ न होगा मतवाला, हुआ न होगा मतवाला, हुआ न होगा मतवाला। तुमसा कोई राम भक्त ना हुआ न होगा मतवाला, जरा सी बात के कारण छाती फाड़ दिखा डाला, छाती फाड़ दिखा डाला, छाती दिखा। आज सुलोचना को संकेत मिलने लगा है। आप ध्यान देंगे, घर में जब आप श्रृंगार करते हो, अचानक आपके हाथ से शीशा टूट जाए, बिंदी लगाते समय हाथ से सिंदूरदानी नीचे गिर जाए, निराकारण बैठे बैठे आप कोई कार्य कर रहे हो, हाथ की चूड़ियां अपने आप फूट जाए, तो माफ करना, उस दिन अगर आपके पति देवता कहीं सफर पे जाए तो रोक देना, मत जाओ। संकेत है। मेघनाथ आज युद्ध में जा रहा है तो सुलोचना को ये सारे संकेत मिल रहे हैं। क्यों भैया तिवारी, हर कृत आने से पहले संकेत मिलता है, हम समझना नहीं जानते। आज सुलोचना ने हाथ पकड़ लिया मेघनाथ का कि मेघनाथ आज युद्ध में मत जाओ, निवेदन कर रही, आज मत जाओ युद्ध में। पर नहीं, होनी तो होकर ही रहनी थी। आप माथे पे जो सिंदूर लगाते हो ना, ये जो सिंदूर है ना, ये लगाते हैं, यहां मरकरी है सिंदूर में, देखो तो मेडिकली मरकरी होता है, नींबू और हल्दी से सिंदूर बनता है ये। और हनुमान जी को जो चढ़ाते हैं वो तो अलग सिंदूर है, और हमें तो खैर किसी सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिंदूर के पेड़ लगे हुए हैं। कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने सिंदूर का पेड़, हमारे यहाँ लगाया हुआ है। तो मैं पेशे से आयुर्वेदाचार्य हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मेरा सारा काम आयुर्वेद का ही है, हर असाध्य साध्य बीमारियों का इलाज करता हूँ, पैरालिसिस, लकवा, सिपला, स्पर्म डेवलपमेंट, कैंसर, कुछ भी, ए टू जेड, मतलब जहां डॉक्टर की सोच खत्म वहां से हम शुरू करते हैं, और टोटली निष्काम भाव से करते हैं। तो वो सिंदूर अलग है। अभी जैसे सिंदूर 9 प्रकार के हैं, उसी में एक रस सिंदूर दवा में इस्तेमाल होता है, मानक हड़ताल। तो रस सिंदूर पारे से बनता है, अगर उसको जरा सा ज्यादा दे दे तो आदमी का राम नाम सत्य भी हो जाते हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं। और अगर किसी गायक को सिंदूर खिला दो तो जिंदगी में फिर गावेगा नहीं,
किसी भी गायक को सिंदूर अगर दे दो ना हनुमान जी वाला, फिर जिंदगी में गाने लायक नहीं रहेगा। अब हमारे साथ तो कई प्रयोग हो गया लेकिन मुझ पर कुछ असर नहीं होता। कभी ब्रजमोहन जी गुरु पूर्णिमा के दिन माथे पे लोग लगावे तिलक, दूध के गिलास में भी सिंदूर है, पर इस पे कुछ असर? क्योंकि यहाँ मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी महाराज आते हैं, बैठते हैं और कथा करके चले जाते हैं, और जब भागवत कथा करूँ तो राधा रानी आती है वो करके चले जाती है। यहाँ से नीचे मुझे कुछ याद नहीं रहता है, और यहाँ बैठ करके मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ निष्काम है। मैंने मेरी कथाओं को बेचा नहीं, ना बेचूंगा। लोग बोलते ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो कथा करना, भगवान ने बहुत दिया है, ब्राह्मणी का दूध पिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, राम जी ने बहुत दिया है, क्या करोगे धर्म बेच करके? इसलिए वो स्वयं आते हैं, निष्काम भाव है, वो अपना करते हैं। आज सुलोचना को आप भी अपने परिवार में देखिए, आप अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो बाद में याद आता है, यार घर से निकल रहे थे आज मेरा मन नहीं था निकलने का लेकिन निकल गए, बताओ क्या घटना घट गई। सुलोचना के राख रोकने के बाद मेघनाथ पुनः युद्ध के लिए गया है महाराज। एक बाण से एक हाथ कटता है तो जाकर सुलोचना की गोद में गिरता है, सिर भी जाकर सुलोचना के गोद में गिरता है। देखते देखते आप देखिए, देखते देखते यहां गौर करेंगे आप थोड़ा सा, सती को प्रतीत कराना होता है कि ये क्या हो रहा है, यही सुलोचना वृंदा के समान है, उसे एहसास कराना है कि देख ये है सम्राट जालंधर के साथ यही कृत हुआ, हजारों बार उनके मृत्यु की सीमा को सुलोचना ने अपनी साधना से रोक लिया, वही स्थिति बनी, हाथ कटा वहां गया, सिर कटा वहां गया, और भगवान के सामने आकर उसने कहा मैंने अपने आप को योग अग्नि से जला लिया। वृंदा ने भी यही कहा है, वृंदा ने कहा कि आज मैं अपने आप को भस्म कर लेती हूं योग अग्नि से, क्योंकि पति ने गुनाह